क्या पार्क किया है, वाह क्या पार्किंग है साला। चूतिया नंबर टू का अवार्ड मिलना चाहिए। तो एक महीने से ज्यादा हो गया मैंने कोई वीडियो नहीं डाला, और कोई वीडियो डालने की वजह क्या, तो मैं लाइफस्टाइल करने अपने को नहीं मजा आता तो अपन नहीं करते लाइफस्टाइल। अभी ये प्रॉब्लम हो गई कि अपनी बाइक डोमिनर जो है वो एक महीने से मैंने स्टार्ट नहीं किया था, तो बैटरी डाउन हो गई। बैटरी डाउन होने से बाइक ऑब्वियस है कि स्टार्ट नहीं होगी, तो मैंने बैटरी कल अपने आप से ही खोल दिया था और जाकर बैटरी चार्जर वाले को दे दिया था। अब जा रहा हूँ मैं आज लेने के लिए, बैटरी चार्ज हो चुकी है। तो बाइक में ज्यादातर अवॉइड कर रहा था बिकॉज ज्यादातर पुलिस अगर देखने जाएंगे तो बाइक वालों को डंडे मारे थी, और मेरे को नहीं चाहिए था कि मुझे भी डंडे मारे। सो इस वजह से मैं बाइक नहीं चला रहा, मैं ज्यादा कार ही चला रहा था और अभी भी कार चला रहा हूँ। सो अभी बाइक की बैटरी ले लेंगे, उसके बाद बाइक स्टार्ट करेंगे और एग्जॉस्ट सुनेंगे बाइक का, बहुत दिनों का, थोड़ा चला भी लेंगे, थोड़ा मोटर व्लॉगिंग भी कर लेंगे। अभी क्या है, लॉकडाउन खत्म हो गया, अभी अनलॉक 1.0 चालू हुआ है, तो अभी थोड़ा बहुत तो निकलने मिलेगा, तो वो निकलते थोड़ा, है ना। और जो आप मेरा लुक देख रहे हो, ये जो लुक है हमारा, ये लॉकडाउन वाला लुक है, क्योंकि जो पूरा लॉकडाउन था उस दौरान मैंने एक बार भी सलून गया नहीं फॉर ऑब्वियस रीजंस। भाई आदमी आदमी से डर रहा है बॉस। सो इस वजह से ये लुक का जन्म हुआ। सो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, जिसका नाम है पापा द बाइक का। जुबेर भाई मेरी बैटरी का है। सो ये थे जुबेर भाई, और जुबेर भाई के पास मैं, मेरी जो फर्स्ट बाइक आई थी प्लैटिना, तब से काम करवा रहा हूँ बाइक का, कुछ भी ऐसा छोटा मोटा रहता है, सर्विस सर्विस रहता है, तो मैं इनसे करवाता था। वर्सोवा लिंक रोड पे इनका गैराज है, तो इन्हीं को मैंने दिया था बैटरी चार्जिंग करने, क्योंकि यहाँ पर एक बैटरी चार्जर वाला है धनराज बैटरी, तो इन लोगों ने बंद रखा है बिकॉज उनके सारे लेबर्स जो है वो चार्जिंग वाले वो सारे गए हैं गाँव। हमारी बैटरी सो अभी चलते हैं घर पे और बाइक पे बैटरी लगाते हैं। सो ये रही अपनी CBR, और आपको जैसे मैंने बताया था सिंगल सेल्फ में स्टार्ट, ये किया ऑन, ये किया इंजन ऑन, ये स्टार्ट। आई होप बैटरी डालने के बाद डोमिनर स्टार्ट हो जाए यार। पीछे की सीट तो चाबी से ओपन हो जाती है, आगे वाली सीट के लिए ये दो नट खोलने पड़ते हैं, जिसका पाना आपको अंदर ही टूल किट में मिल जाएगा। सो ये रहा हमारा पाना और इससे हमें खोलना है। और बैटरी डालने के बाद आपको फिर लगेगा एक स्क्रू ड्राइवर, क्योंकि स्क्रू ड्राइवर से आपको ये ओपन करना है। अभी जो पॉजिटिव वायर है वो पॉजिटिव की जगह लगाना है, और जो नेगेटिव वायर है वो नेगेटिव की जगह पे। सो कुछ इस तरीके से नेगेटिव को नेगेटिव लगा दिया, पॉजिटिव पे पॉजिटिव लगा दिया। सो अब स्टार्ट करके देखेंगे हम बाइक स्टार्ट होती है। चालू सो एक महीने के बाद आज हम डोमिनर को चलाने वाले हैं, और सीन कुछ ऐसा है कि पेट्रोल बिल्कुल भी नहीं है बाइक में, आई होप पेट्रोल पंप तक पहुंच जाए। और एक और चीज़ बतानी थी आपको, मैंने लास्ट दो सेकंड लास्ट वीडियो में बताया था मैंने चार्जर लगाया था मेरी बाइक में ग्रैंड प्रिक्स स्टॉप का, कोई मेरी बिल्डिंग में था या कोई आया जिसकी गांड में बहुत चर्बी थी, आई एम सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड बट यस बहुत ज़्यादा चर्बी थी, जो उसने तोड़ दिया मेरा चार्जर। जस्ट लुक एट दिस, यहाँ पर लगा हुआ था नया चार्जर यार, एक बार यूज़ नहीं किया मैंने, एक बार नहीं यूज़ किया। सो अब हम जा रहे हैं पेट्रोल पम्प, यहाँ से जो है 3-3.5 किलोमीटर के आसपास, और वहाँ पर अपन पेट्रोल भरा देंगे और छोटा सा एक राइड भी हो जाएगा, बाइक थोड़ी गर्म भी हो जाएगी, बहुत दिन से खड़ी थी।
अपना टाइगर है। एक दस दिन पहले ही मैंने चेन ल्यूब किया था, बाइक खड़ी थी, मैं बोला चेन ल्यूब कर देता हूँ, चेन क्लीन और ल्यूब दोनों कर दिया और बाइक वॉश भी किया था। फिर बारिश हुई तो पूरा चीटे उड़ उड़ कर बाइक पूरी वापस से थोड़ी खान होगी, कोई नहीं चीते अपन फिर धोएंगे और उसको पॉलिश करेंगे। कि लॉकडाउन जब स्टार्ट हुआ था ना तब मैंने इसको वॉश भी बहुत अच्छे से किया था और पॉलिश भी किया था, बट चलाने नहीं मिली, खड़े खड़े धूल मट्टी खा रही थी। फ्लाई बाय रिकॉर्ड करेंगे यार, इसका फ्लाई बाय एक नंबर आएगा। क्या बोलती पब्लिक, कमेंट करके बताना फ्लाई बाय वीडियो चाहिए। बहुत दिन बाद चला रहा, बहुत मजा आ रही है सीरियसली स्पीकिंग। थोड़ा ब्रेक वे का काम है वो अपन अभी करा देंगे और यहाँ पर जो मैंने व्रैप लगाया था जो नकल का जो मैंने निकाल दिया बिकॉज वो थोड़ा थोड़ा करके पील ऑफ हो रहा था, सो मैंने निकाल दिया। अभी वापस से फेडेड मेरा रेड फेडेड नकल गार्ड। सो क्या बोलते हैं आप लोग, कैसे बिताए अपने दो महीने लॉकडाउन के? सो कमेंट करके बताना किस तरीके से आपने आपके दो महीने या लॉकडाउन का जो टाइम था वो किस तरीके से टाइम पास किया। अपन तो मस्त खा रहे पी रहे एकदम एंजॉय कर रहे फैमिली के साथ। और बॉस एक बहुत गंदी आदत मुझे रिसेंटली लगी है वो है पबजी की। अरे मेरे सारे दोस्त लोग पबजी पे थे और मैंने भी डाउनलोड कर दिया गलती से और अब इतना एडिक्टिव हो गया हूँ मैं वो गेम को लेकर के कि सुबह 4 बजे तक हम लोग खेलते बस। अरे भाई कहाँ देख के चला रहे, सुबह 4 बजे तक हम लोग पबजी खेलते हैं हमारे सारे फ्रेंड्स मिलके। यार इधर एक शॉप है उसके लिए साले पब्लिक ने रोड पर गाड़ी छोड़ के चले जाते हैं, एक तो 2 लेन का रोड, उसमें इधर पे भी पार्किंग उधर पे भी पार्किंग, माँ का। अरे और आगे जगह है, नया नया ड्राइवर लगता है। क्या पार्क किया है, वाह क्या पार्किंग है साला, चूतिया नंबर 2 का अवार्ड मिलना चाहिए इसको। अरे मेरे भाई जगह दे। लाबेला इज स्टिल क्लोज्ड, ओह माय गॉड। हाँ तो मैं क्या कह रहा था पबजी, अरे इतना बुरा गंदा आदत लग गया ना उसका। अब मैं लॉकडाउन खत्म हो गया अभी, अब मैं ना सीरियसली एक वीक के अंदर मैं ना गेम डिलीट कर दूंगा। कमेंट करके बताना आप में से कौन कौन पबजी लवर है और कौन कौन इतना ज़्यादा एडिक्टिव है और लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा पबजी खेल के टाइम पास किया होगा। ये बहुत खतरनाक वाली आवाज़ कर रहा है, लगे थे कुचुर 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 कुछ। ओ फक मेरा ऑयल चेंज गया, ओहो मेरे डोमिनर का ऑयल चेंज लीक हो गया, ये कवर भी फट गया। वही तो बोलूँ ये आवाज़ क्यों कर रहा है, क्योंकि डिस्प्ले पे ऑयल लग गया है, क्योंकि यहाँ से ऑयल चीज लीक हो रहा है। ये वाला फोक राइट वाला, लेफ्ट वाला सही है। पेट्रोल डाल देना भाई, चलो भाई लोग पेट्रोल तो भर दिया, पर ये नया टेंशन आ गया यार सर पे अभी ऑयल चील का, मेरा राइट साइड का फोक ऑयल चील गया। और पहले भी जब मैं स्पीति गया था तभी भी राइट साइड का फोक ऑयल चेंज किया था जो मैंने चेंज किया था, तब मतलब माइनर था, अभी तो बहुत ज़्यादा लीकेज है। तभी तो मैंने ब्रेक मारा आगे का तो डिश प्लेट से आवाज़ आ रहा है फाँ फाँ फाँ, और मैं बोला ये फाँ 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 आवाज़ तो एकदम अलग लग रही है यार। झुक करके देखा तो भाई ऑयल पड़ा है डिश प्लेट पे। सो डरने की कोई बात नहीं है कि अपने पास ऑलरेडी इसका फोक ऑयल सील और ऑयल जो है फोक ऑयल वो पड़ा है, क्योंकि स्पीति जाने के टाइम पे एक्स्ट्रा हमने कैरी किया था क्योंकि बजाज ने हमें बोला था कि एक्स्ट्रा कैरी करना, तो वो निकल गया था तो वो यूज़ में नहीं आया था। सो वो अभी भी रखा हुआ है घर पे मेरे, खाली मुझे ज़ुबैर भाई के पास जाना पड़ेगा कल और फोक जो है ऑयल मेरा और फोक सील चेंज करा के लेना पड़ेगा। और जो मेरा फोक गेटर्स है जो रबर जो फोक के ऊपर लगते हैं टू प्रोटेक्ट द फोक ऑयल चेंज, वो भी पूरा फट गया है यार। अब वो देखना पड़ेगा, वो भी अगर नया मिलता रहेगा तो एट द सेम टाइम ही दोनों डलवा देंगे। सो गाइस आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा है तो याद है ना क्या करना, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बेल आइकन को तो दबाना भूलना ना। टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, टेक केयर एंड चाओ।